एंड आल मोहम्मद गली सपोर्टर्स एनालिस्ट जेके इस वक्त मटन के इस खूबसूरत ग्राउंड से जिसको टिकट बा के नाम से भी जानते हैं आपसे सुपरबोटर स्टॉक शो के लिए यहाँ से मुखातिब हूँ। तो आज यहाँ MPL चल रहा है यानी मटन प्रीमियर लीग। तो खुशकिस्मत है मेरे साथ करंट रांची जिन्होंने ने खेला आकिब नबी साहब मेरे साथ हैं। तो सर पहले जानना चाहूँगा आपसे कि लीग के बारे में इतना ज़्यादा क्राउड है एंटरटेनिंग लीग जा रही है तो पहले लीग के बारे में आप आपके तैसरा जानना चाहूँगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया थोड़ा बहुत लाऊँ और लीग के बारे में ये कहूँ बहुत अच्छी लीग है सब बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं खेलने तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा तभी सब प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं और ग्राउंड भी बहुत अच्छा और क्राउड के तो जानना चाहूँगा आपसे कि आपके तासरा जानना चाहूँगा कि जिस तरह की आपने बॉलिंग की वो दर्शनी देखने लायक थी तो आप अपने कैरियर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपने अंडर-19 में खेला करण रांची तो आपके कैरियर के बारे में दोनों को जानना चाहूँगा। मैंने 19 से स्टार्ट किया और 23 भी खेला और इस बार मौका मिला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इंशाल्लाह आगे भी फिटनेस जो मैंने आपके बीच ग्राउंड में देखी तो आपका मैसेज क्या जाएगा यंगस्टर को जो इस क्रिकेट को एक प्रोफेशनल के तौर पर लेना चाहेंगे। फिटनेस बहुत ही एक वाइटल रोल अदा करती है आपके कैरियर में क्योंकि अगर आप फिट नहीं होते ऊपर लेवल पर नहीं खेल सकते तो फिटनेस बहुत ही ज़्यादा। अच्छा क्या मैसेज जाएगा यंगस्टर्स को आपका अगर ड्रग एडिक्शन और क्रिकेट की हम बात करें तो आपका मैसेज क्या जाएगा? मैसेज ये जैसे कि टूर्नामेंट का भी ये नारा है कि ड्रग्स आप क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं ड्रग्स में बहुत ही हम यूथ हमारा डूबा हुआ है तो यही है कि ड्रग्स को क्विट करें और क्रिकेट जैसे और बाकी ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज आएगा जो पढ़ना भी चाहते और क्रिकेट भी खेलना चाहते तो उनका टाइम टेबल के बारे में अगर आप खुद मुझे लगता है कि आपका पढ़ाई भी करनी है क्योंकि आपको इधर का पता है जम्मू कश्मीर का हालात पता ही आपको तो पढ़ाई भी साइड बाय साइड करनी है। अगर 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 कोई प्रोफेशनल लेवल में जाना चाहेंगे स्पोर्ट्स में तो कैसे उसको हैंडल करना चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो सेक्रीफाइस भी करना है तो इस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा रखना है क्रिकेट को भी देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा आइडल रहा है आपका अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की तरफ जाऊंगा तो कौन सा आपका आइडल बॉलर है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं? फॉलो तो मैं ऐसे जो हम क्रिकेट देखते हैं तो सारे अच्छे इंटरनेशनल में तो सारे अच्छे होते हैं जो भी एंडरसन है ब्रॉड है स्टेन है सब समद हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए फिर भी इनको खिला रहे हैं तो आपकी राय जानना चाहूँगा समद के बारे में। इनके पास बैटिंग पावर अच्छी है तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ कि समुद्र को खिलाने के लिए ऊपर हिट्स भी मारते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तो उस पर उन्होंने रिस्क लिया कि किसी भी मैच में वो उनको जिता सकते हैं। तो आपके बारे में और एक क्वेश्चन है इससे पहले कि मैं आपको छोड़ जाऊंगा आगे क्या इरादे हैं बड़ी लेवल खेलने के लिए अगर इंशाल्लाह जब भी स्टार्ट करेंगे कोई करता है कोई तो बड़ी लेवल खेलने अच्छा। आखिर पर एक और क्वेश्चन यंगस्टर्स के लिए जो बॉलिंग मतलब बॉलिंग की स्किल जो आपके पास है तो आप ना पीछे जाने देते हैं बल्लेबाज को ना आगे तो विप नहीं आप दे रहे तो क्या मैसेज आएगा यंगस्टर्स का अगर कोई आपसे एक टिप लेना चाहेगा तो बॉलिंग के बारे में क्या 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 टिप बॉलिंग करेंगे अच्छा है और फिटनेस के साथ साथ आपको स्किल भी सीखना पड़ेगा कोचेज हैं इधर इतने अच्छे बॉलर्स हैं तो उनसे टिप्स लेके आप आगे जा सकते हैं। तो आपने सपोर्ट स्टार्ट शो के लिए हमारे साथ बात